हेलो एवरीवन, चलिए 1981 का PYQ करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स ऑफ द गिवन अनायंस द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इज, ये जो अनायंस दिए हुए हैं उसमें से पूछा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन है। तो देखिए, आपको स्ट्रॉन्ग बेस समझ नहीं आ रहा है तो आप कंजुगेट वाला कॉन्सेप्ट यूज़ कर लीजिए, सबका कंजुगेट बना लीजिए। तो बेस का कंजुगेट जो होगा, तो अपने को पता है स्ट्रॉन्ग बेस का जो कंजुगेट होगा वो वीक एसिड होगा, ठीक है। तो अगर आपको पता चल गया इन चारों का जो कंजुगेट्स है उसमें कौन सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड है, ठीक है, तो उसका कंजुगेट जो यहाँ पे बना हुआ वो वीक बेस होगा, और जो वीक एसिड होगा उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो हम लोग से पूछा है कि स्ट्रॉन्ग बेस कौन है, ठीक है। तो बेस में यहाँ पे आपको दिख रहा है कि बेस जो है उसका टेंडेंसी होता है H+ लेने का, तो ये सारे लोग H+ लेंगे, और इन सारों को H+ लेने के बाद आप बना दीजिए कि जो भी बन रहा है। तो इसको H लेने के बाद ये HOCl बोलते हैं, ये HClO2, ये HClO3, ये HClO4। तो हमारे लिए नया क्वेश्चन क्या हो गया कि भाई इनमें से कौन वीकेस्ट एसिड है, क्योंकि जो वीकेस्ट एसिड होगा उसका कंजुगेट स्ट्रॉन्गेस्ट होता है बेस। तो इनमें से कौन वीक एसिड है, और ये क्लियर कट पी ब्लॉक का क्वेश्चन हो गया। पी ब्लॉक में ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है जिसमें ये सिखाया जाता है कि क्लोरीन के जो डिफरेंट एसिड्स बन रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट। आई होप ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने आता है। ये माइनस, सॉरी, इसका निकालना है ये एक्स, ऑक्सीजन -2, ये +1। अभी H+ ही तो लिया था सब लोग, ठीक है। तो आप एक एक करके निकाल लीजिए। फॉर एग्जाम्पल, पहले वाले का +1 -2 प्लस एक्स इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू क्या आ रहा है, +1, ठीक है, क्लियर। तो ये आना चाहिए ऑक्सीडेशन, ये रेडॉक्स का पार्ट है। तो यहाँ पे क्लोरीन का आ रहा है +1, यहाँ पे निकालेंगे सिमिलरली। तो दो निकाल के दिखा देता हूँ मैं, बाकी आप निकालिएगा। हाइड्रोजन सब जगह +1 रहेगा, +1, क्लोरीन को एक्स मान लेते हैं, ऑक्सीजन को -2, इक्वल टू 0। ओवरऑल न्यूट्रल है अब, क्योंकि पहले -1 था, अब H+ आया, तो ओवरऑल न्यूट्रल। एक्स इक्वल टू +4 -1 विच इज +3, ठीक है। चलिए बाकी भी निकाल ही लेते हैं। HClO3, ये एक्स है, +1 प्लस एक्स प्लस 3 × -2 इज इक्वल टू ओवरऑल 0, ये +6 -1 इक्वल टू +5। और फोर्थ वाला है HClO4। वैसे तो देखने से पता चल जाना चाहिए, जिसको भी एक्सपीरियंस है उसको पता होता है, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन उसमें क्लोरीन में ज़्यादा प्लस। देखिए, 4 × -2 इक्वल टू 0, यहाँ से एक्स इक्वल टू आ रहा है 8 - 1 + 7। तो ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब ज़्यादा एसिडिक होता है, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम यहाँ क्लोरीन है, क्लोरीन के सारे एसिड्स है, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, और ये हुआ अपना ऑप्शन नंबर ए, हुआ अपना वीकेस्ट एसिड, ठीक है। तो क्या आंसर हो गया, अपने को स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड चाहिए कि वीकेस्ट एसिड चाहिए? अपने को बोला है स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, तो कंजुगेट स्ट्रॉन्ग बेस तब होगा जब वो वीक एसिड से बना है। तो अपना आंसर क्या हो गया इस क्वेश्चन में, ए ऑप्शन, ठीक है, क्योंकि ए अपना जो एसिड था ए का वो वीकेस्ट एसिड था, तो कंजुगेट बेस स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कहलाता है, ठीक है। ओके, चलिए, तो बाय एवरीबॉडी।